राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, नई युवा कप्तान, ये बड़े फेवरेट हैं जाट भाई के, संजू सैमसन, और इस बार उन्हें भाई टोपी दी गई है और कहा गया है कि आप बनेंगे कप्तान टीम के, बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी उस टीम के अंदर। इस मूव को देखते हुए जाट भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए मूव देख के बड़ा स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, हर खेल में हर दुनिया में एक ओल्ड ट्रिक होती है, तो ये वो पुरानी ट्रिक है सर, कोई नई नहीं है, क्योंकि जब जब किसी भी कोच को अपनी चलानी हो तो वो कप्तान सबसे छोटा ढूंढता है टीम के अंदर। नहीं नेचुरल है, क्योंकि अगर सटीक एकदम सटीक आए अजय भाई, कप्तान एक बात बताओ, अगर कप्तान आप हो और मैं कोच बैठा हूं, तो जब आपका दिमाग मेरे से बेहतर है तो फिर आप चलाने ही वाले, तो मेरा क्या काम है? तो अगर मेरे को घर से लेके आए हैं और मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के लिए सोच के लेके आए हैं, तो फिर तभी लाए ना कि जो कप्तान है वो नहीं चाहिए। अगर आप रिलीज देखें, रिलीज कौन से दो खिलाड़ी किए हैं, अजिंक्य रहाणे और स्टीवन स्मिथ, कप्तान वो भी हो सकते थे, लेकिन अगर नया कोच आया है, उसने अपनी नई रणनीति बनानी है, तो यंग कप्तान को बनाएंगे ना, वो जाके सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा जो आप बोलेंगे उसको नेचुरली, और वो सक्सेस देखने को मिली है, और अब वो ट्रेंड है इस आईपीएल का। श्रेयस अय्यर को बनाया था तब बड़े सवाल हुए, यार इतने कप्तान है टीम में क्यों कर रहे, बट टीम सक्सेस हो गई तो वो स्टैट्स में आ गया, यंग कैप्टन वर्क्स बेटर, तो इसलिए बिकॉज बाकी उनकी कप्तानी से उनकी बल्लेबाजी में चेंज जो है बातें हो रही हैं, वो केरला में भी नहीं हुआ है। इनकी बल्लेबाजी ऐसी की ऐसी है, कट कॉपी पेस्ट, हर साल 3-4 इनिंग्स बहुत तगड़ी। ओ ये लो जी, ये डायरेक्टर साहब ने कह दिया ये फेंक देंगे ऊपर, जो आप बोलेंगे सर सीधा जाएगा ऊपर। सर 18-19-20 आपके सामने है, क्या है औसत, बल्कि पिछले साल कम है। देखो परसेप्शन क्या चीज होती है, सिर्फ स्ट्राइक रेट बढ़ी है, उन्होंने रन बनाए उतने ही रन बनाए, हालांकि दो साल पहले कम बनाए, बट हिंदुस्तान खेल गए स्ट्राइक रेट से, सो परसेप्शन ये 350 तब बनाए थे, 3 अब बनाए, और इनकी हिस्ट्री में भी जाएंगे ना, तो कुछ कुछ इनका खेलने का अंदाज जो है वो सेम रहा है, इनका प्रदर्शन भी सेम रहा है। और पहले पहले जब आईपीएल होती थी ना, तब ठीक है यार, जब ये पता नहीं चलता था लोगों को कि कैसे वैल्यू करा जाए प्लेयर को, कैसे नहीं, वो ऑक्शन टेबल तक ठीक है, ऑक्शन में वैल्यू होने के बाद अगर कोई आदमी 7 साल खेला हुआ है, तो फिर आप जरूर आंकड़ों में देखिए, क्योंकि आंकड़े जो है ना वो फैक्ट्स है, वो आगे का नहीं बताएंगे, लेकिन पीछे का तो दिखा रहे हैं आपको, तो इनके आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया 5-7 साल से, तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि कोई इनकी बल्लेबाजी में फर्क आएगा। वीरूपा जी यही सवाल आपसे भाई, ये कॉन्फिडेंस जो दिया है, ये ज्यादा जिम्मेदारी अब कप्तान बनने की, क्या इससे इनका बल्ला और घूमेगा, क्या ये और रन बना पाएंगे, क्योंकि यंगस्टर हैं, पहली बार इस लेवल पे आए हैं कप्तान बनके, तो इनका आउटलुक कैसे होगा? देखिए दो माइंडसेट होते हैं, एक कप्तान कोई बन किसी को बनाया जाता है, या तो वो शेल में चला जाता है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश करता है जो उसने शायद अपने नॉर्मल क्रिकेटिंग कैरियर में नहीं की। एक होता है कि किसी को कप्तानी पसंद होती है, तो या तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गौतम गंभीर, वो बगैर कप्तान के खेले तो अलग खेलते हैं, कप्तान बन के खेले तो अलग खेलते हैं। MS धोनी बगैर कप्तान थे तब अलग खेलते थे, कप्तान बनने के बाद वो अलग खेल रहे थे। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि संजू सैमसन से कैसे लेते हैं। कईयों को लगता है कि यार मेरी जगह तो पक्की है, मैं 14 खेलूंगा, मैं कप्तान भी जो चाहे करूं, चाहे जैसे मर्जी चाहे खेलूं। इवन KL राहुल को भी अगर हम नोट करें, जब वो कप्तान नहीं थे तो बिल्कुल एकदम खुले खेल रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट 140-150 का था, कप्तान बन गए तो उनको लगा कि शायद मेरे पास जिम्मेवारी आ गई, स्ट्राइक रेट 125 का आ गया हर मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए। मुझे लगता है कि कप्तान का जब वजन आता है आपके ऊपर या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या और बेहतर कर सकता हूं, कैसे और कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने लिए, खुद के लिए भी प्लस, और जिन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं दिया पिछले कुछ सालों में, उनके साथ मैं क्या बात करूं या उनको कैसे लेकर आऊं ताकि वो भी कंट्रीब्यूट करे मेरे लिए, मेरी टीम के लिए। क्योंकि कप्तान वही अच्छा होता है जिसकी टीम अच्छी होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम में कहते थे ऑस्ट्रेलियन टीम है अनबीटेबल, उस टीम का कप्तान किसी को बना दो, हेडन थे, लैंगर थे, पॉन्टिंग थे, स्टीव वॉक थे, मार्क वॉक, शेन वॉन, ब्रेटली, मैकग्राथ, अगर इतनी बड़ी टीम है, गिलक्रिस्ट, तो आप कप्तान किसी को बना दो, उन्होंने जीतना ही जीतना था जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है, तो आदमी को अपना नेचर नहीं बोलना चाहिए कि मैं यार क्या करता था, मैं कैसे खेलता था, तो उसी अंदाज में खेले। हाँ, एक दो प्लेयरों को जो आपको लगता है कि जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है या जिनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप कप्तान नहीं होते ना, तो आप जिस ग्रुप में बैठते हो ना, वहाँ बहुत सारी बातें होती है, यार ये कप्तान मुझे मौके नहीं देता, वहाँ नहीं खिलाता, ये नहीं करता। अब सडनली आपके ग्रुप का कप्तान बन गया है, तो क्या वो आपकी बात सुनेगा या समझेगा,
वो भी एक पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से संजू सैमसन उस ग्रुप में बैठते होंगे जो जूनियर ग्रुप होगा, अब उनको मौका मिला कप्तानी करने का, तो शायद उनको सही जगह फिट करेंगे उन खिलाड़ियों को और उनसे उनका बेस्ट निकलवाने की कोशिश करेंगे।